वेलकम टू अमीज पंजाबी कुकिंग यूएसए। अज असी क्रीम वाली बर्फी बनावांगे। उहदे लई दो तीन चीज़ां ही चाहिदियां हुंदियां ने और जल्दी नाल बन जांदी है। एक कप हैवी क्रीम, एक तीन कप ड्राई पाउडर मिल्क, एक कप शुगर। तुसी शुगर या मैं पाउडर शुगर लई है, तुसी रेगुलर भी लै सकते हो। ते बादाम या पिस्ता, मैं सिर्फ बादाम पा रही हाँ, तुसी पिस्ता बादाम जो तुहानू अच्छे लगदे नट्स वो पा लो। एंड दैन एक चम्मच बाद रोज़ वाटर पाउण वास्ते ताकि फ्लेवर वास्ते। सो इन चीज़ों सारिया चीज़ों ए मैं हल्की अग ते ऑन किया हुआ। सारिया चीज़ा कट्ठिया करके इन्हू मिक्स कर लेना। एक कप क्रीम, तीन कप ड्राई पाउडर मिल्क, एक कप शुगर, तो बादाम पिस्ता असी थोड़ा बाद विच पावांगे। हुण इहनूं बिल्कुल हल्की अग दे उत्ते तुसी अबाउट 15-20 मिनट इहनूं पकाना, जद तक आटे वक्कण बन जाए बिल्कुल। मैं 10 मिनट वास्ते रोस्ट किया है और तुसी देखो जदों इह कढ़ाई नालों अलग हो जाए तुहानूं पता है इह अच्छी तरह रोस्ट हो गया। हुण इहदे विच मैं नट्स पावांगी। मैं तो सिर्फ बादाम पा रही हाँ, तो थोड़े जे असी उपर रख लाँगे गार्निशिंग वास्ते। तो इनू बस एक दो मिनट होर इनू पकाना है ये अच्छी तरह, और बिल्कुल मीडियम तो भी लो आग पर बनाया। ऑन द इलैक्ट्रिक 4 नंबर पर बनाया, सो तुसी गैस पर मेरा ख्याल बिल्कुल लो पर रख के, और तुसी देखो बिल्कुल अलग हो गया है पैन नालों, बिल्कुल अच्छी तरह रोस्ट हो गया। हुण मैं इहदे विच एक चम्मच रोज़ वाटर, तुसी इलायची भी पा सकते हो जे चाहो ते, या रोज़ वाटर या क्योड़ा जो भी तुहानू अच्छा लगता। मैं रोज़ वाटर पा रही हाँ एक चम्मच। इहनू अच्छी तरह मिक्स कर लो। हीट मैं हुण ऑफ कर दित्ती है। इहदे च पिस्ता भी बड़ा अच्छा लगता वैसे, पर कलर भी अच्छा हो जाता है, पर मैनू बादाम ही ज़्यादा पसंद ने। या देखो बड़े अच्छे लग रहे हैं, बादाम ही बड़ा अच्छा कलर दिख रहा। इहनू फिर तुसी प्लेट विच या तो उहदे थोड़ा हेठां बटर लगा लो या वैक्स पेपर लगा के, ताकि नाल उहदे स्टिक ना होए। मैं वैक्स पेपर लगा रही हाँ। प्लेट विच पा के जमा लेना, जो ठंडी होएगी थोड़ी तो फिर इन कटना। ठीक कर लो, ईवन कर लो उपनो। नाल उपर गार्निशिंग लई जिहड़े बादाम रखे सी ओह पा के इहनू थोड़ा हल्का हल्का प्रेस कर लो। तुसी देखो 20 मिनटां दे विच और ईवन लिटल लैस बड़े आराम नाल जल्दी नाल बन जांदी है। इहनू हुण थोड़ी देर मैं ठंडा होण देवांगी, फिर इहनू कट्टांगे। ओके, मैं इहनू 10 मिनट वास्ते कूल करन लई रख्या सीगा, ते हुण इहनू कट लैंदे आ। तुसी अपनी मर्जी दियां जिस तरह टुकड़ियां कट्टियां होण कट लो, वड्डियां छोटियां। बड़ी अच्छी सॉफ्ट बनी है, जिथे बादाम ज़्यादा ने उतो थोड़ी टूट भी सकती है कट्टन लगे, पर इट डज़न्ट मैटर। तुहानू जे वीडियो अच्छी लगी ते तुसी प्लीज़ सबसक्राइब करो, लाइक बटन भी प्रेस करो, ते जरूर अपनी भी तुसी बना के सानू दसो तुहाडी किहो जी बनी है। मैं देखो तुसी सारी कट लेती है, बड़ी अच्छी तरह कट्टी गई है और बड़ी स्वाद भी बनी है। किसी ने टेस्ट भी की है, कहने अच्छी बनी है, तो तुसी भी जरूर बनाओ, तो सानू दसो तुहाडी किहो जी बनी है। जरूर सानू कॉमेंट करो एंड एंजॉय करो।